डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है, आज हम इसमें मैक्सिमा मिनिमा करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। तो इसमें थ्योरी थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आप लोगों के लिए, तो आप ये नोट कर लो कि आपके काम में आएगा। फर्स्ट हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेट एफ एक्स वाई बी डिफाइंड ऑन द रीजन आर कंटेन। ओके, यहाँ पे देखिए, लेट एफ एक्स वाई बी डिफाइंड ऑन द रीजन आर कंटेन द पॉइंट ए बी। एक पॉइंट ए बी, एफ ऑफ ए बी इज लोकल मिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए बी फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई इन एन ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए बी। जैसे कि हम जो चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, तो हम एक प्लेन लेंगे, आर टू प्लेन। ओके, आर टू प्लेन मैंने लिया और यहाँ पे मैंने एक ओपन बोल बनाया और एट पॉइंट ए बी। देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा पॉइंट ए बी है, उसके नेबरहुड में मैं चेक करूँगी जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वाई का हमेशा बड़ा होगा, तो मैं बोलूँगी वो जो है फंक्शन है मैक्सिमा। ओके, फंक्शन जो है मैक्सिमा वैल्यू ले रहा है। सिमिलरली फॉर मिनिमा, एफ ऑफ ए बी इज लोकल मिनिमम इफ एफ ऑफ ए बी इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स वाई इन एन ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया डिस्क, यहाँ पे डिस्क बनाया और उसके बाद मैंने दिखाया कि एक पॉइंट ए बी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स वाई ये वैल्यू ले रहा, मेरा जो एफ एक्स वाई है ये वैल्यू ले रहा जो मिनिमम है बाकी नेबरहुड से, तो ये फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू ले रहा। ओके, वॉट इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि एक इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन, जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में भी हम पढ़ते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए फर्स्ट इंटीरियर पॉइंट होना जरूरी है डोमेन से। ए बी इज सेड टू बी क्रिटिकल पॉइंट इफ एफ एक्स एट ए बी इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई एट ए बी इक्वल टू जीरो। मतलब क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए हम फंक्शन एट ए बी अगर जीरो हो रहा है और एफ वाई एट ए बी जीरो हो रहा तो वो मेरा क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, मेरा एफ हैज लोकल मैक्सिमम एट ए बी इफ एफ एक्स एक्स इज लेस देन जीरो एंड एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एट ए बी। देखिए यहाँ पे बुक टू बुक नोटेशन चेंज होता है, कोई कोई एफ एक्स एक्स को आर टी और एस लेते हैं और कोई कोई ए बी सी से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मैंने आर टी और एस अडेप्ट किया, आप एफ ए बी सी भी मानकर चल सकते हो, और एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई को डी से डिनोट किया जाता है, डी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे मैंने आर और टी, आर एस टी ऐसे मानकर चला है। तो देखिए, लोकल मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, आपका एफ एक्स एक्स लेस देन जीरो और एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एट ए बी। दैट मीन्स आर जो है लेस देन जीरो और आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, मैं समरी बताऊंगी, ये चीज़ें आप थोड़ा सा नोट कर लो, फिर आपको बाद में काम में आएंगे। जो वाइट से मैंने लिखा है आप वही नोट करना, येल्लो से जो है वो मैंने समझाया था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं कर रही थी तो मैंने शूट कर, मैंने रिकॉर्ड का ऑप्शन ही ऑन नहीं किया था, मैं पूरा शूट कर ली तो फिर मुझे देखा तो मैं शूट का ऑप्शन ही ऑन नहीं की थी, तो मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा है। इसलिए मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख रखी हूँ, वही मैं फिर से रिपीट समझा दे रही हूँ। और फॉर लोकल मिनिमम क्या होता है, लोकल मिनिमम के लिए भी सेम होता है, बस थोड़ा सा कंडीशन चेंज होता है। वो कंडीशन क्या है, वहाँ पे आर जो था मैक्सिमम के लिए, आर ग्रेटर देन लेस देन जीरो होता है, यहाँ पे आर ग्रेटर देन जीरो होता है और आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है। सैडल पॉइंट होगा तो आर टी माइनस स्क्वायर जो लेस देन जीरो होगा। समरी में बता देती हूँ कि समरी एक्चुअल में क्या हुआ। समरी, फर्स्ट वी हैव टू, स्टेप वन इज डेल एफ बाय डेल एक्स निकालो इक्वल टू जीरो पुट करो और डेल एफ बाय डेल वाई निकालो विच इज इक्वल टू जीरो पुट करो और दोनों को सॉल्व करो, तुम्हें कुछ पॉइंट मिलेंगे एक्स वाई। ओके, उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालो डेल एफ
डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ओके, उसे मैं आर टी और एस से नोटेशन दे रही हूँ। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दो कंडीशन, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैक्सिमा की या मिनिमा की। एट पॉइंट ए भी आपको निकालना आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमा कब होगा, वेन आर इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स एफ एक्स एक्स एट ए बी। यहाँ से आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि एफ एक्स एक्स एट ए बी जो है वो लेस देन जीरो होगा। यहाँ से लिख सकते हो एफ वाई वाई, सॉरी एफ एक्स एक्स एट ए बी। ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, ये हो गया मेरा मिनिमम के लिए। सैडल पॉइंट के लिए है कि आर टी माइनस स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, और आर टी माइनस स्क्वायर अगर इक्वल टू जीरो बनता है तो मेरा टेस्ट फेल हो जाता है। ओके, अब जो है एक प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है एफ एक्स वाई जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स एक्स वाई। फर्स्ट स्टेप जो है मुझे क्या करना है, डेल एफ एक्स इक्वल टू जीरो, डेल वाई इक्वल टू जीरो। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, मैंने वन वन मार्क कर दिया। तो डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो मैंने किया, डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो किया। देन मैंने सॉल्व किया, यहाँ से मैंने थ्री कॉमन आउट लिया। फर्स्ट मैंने ये सॉल्व किया, आप फर्स्ट यहाँ से यहाँ पे जाओ, उसके बाद देखो मैंने इक्वल टू जीरो पुट के थ्री मैंने कॉमन आउट लिया। एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये मुझे मिला। तो ये पॉइंट, ये चीज जो है मैं सेकेंड इक्वेशन में यूज करूंगी। तो यहाँ से भी सिमिलरली मैंने थ्री को कॉमन आउट लिया, वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, फिर वाई की वैल्यू मैंने पुट की एंड एलसीएम लिया। और उसके बाद मैंने कंडीशन निकाला कि एक्स की पावर फोर माइनस एट एक्स अपॉन फोर इक्वल टू जीरो। एक्स यहाँ से ले सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मुझे मिला एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू एट, तो यहाँ से मुझे मिला एक्स इज इक्वल टू टू। ओके, यहाँ से एक्स इक्वल टू टू मिला, और क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू जीरो। मुझे दो कंडीशन मिले यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू। ये अब मैं लेकर के इन्हें पुट कर दूंगी, ये पुट के इफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई जो है मुझे, वाई क्या मिला था मुझे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो मैंने पुट किया जीरो बाई टू विच इज जीरो। इफ एक्स इक्वल टू टू तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज फोर बाई टू विच इज इक्वल टू टू। तो मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, जीरो जीरो और टू टू। अब मैं मैक्सिमा और मिनिमा चेक करूंगी। तो फर्स्ट मैंने डेल एफ बाय डेल एक्स लिखा और डेल एफ बाय डेल वाई लिखा, जो ऑलरेडी मैंने पीछे से लिखा है। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मैंने निकाला, सिक्स एक्स निकला। डेल एफ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाला जो कि सिक्स वाई निकला, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई जो निकाला वो माइनस एक्स एक्स निकला। मैंने आर और टी और एस से डिनोट कर दिया। अब मैं आर टी माइनस एक्स स्क्वायर निकालूंगी, तो सिक्स एक्स यहाँ से सिक्स एक्स सिक्स वाई माइनस सिक्स एक्स का होल स्क्वायर। मैंने जस्ट पुट कर रखा आर और टी और एस का वैल्यू मैंने लिखा, और विच इज 36xy माइनस 36 एट पॉइंट जीरो जीरो, जिसका वैल्यू आ रहा था एक्स की जगह पे जीरो रख दो, वाई की जगह पे जीरो रख दो, जो कि माइनस 36 आ रहा, विच इज लेस देन जीरो। मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या है, सैडल पॉइंट है। मैंने यहाँ पे लिख रखा अगर लेस देन जीरो है आ गया तो आपको आर के ऊपर कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट लिख दो ये सैडल पॉइंट है। ओके, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, दो पॉइंट मुझे मिले थे, मुझे क्या क्या पॉइंट मिला था, एक जीरो जीरो और एक टू टू मिला था। तो मुझे दूसरे एक पॉइंट मैंने जीरो जीरो पे चेक कर लिया जो कि सैडल पॉइंट आ गया। अब बचा है जीरो टू 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 पे, अब टू टू पे चेक करते क्या आता। ओके, तो देखिए यहाँ पे टू टू पे क्या आ रहा है, टू टू पे मैंने चेक किया आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स एक्स वाई माइनस 36, जो कि एट पॉइंट टू टू पे चेक करें तो 36 इंटू टू इंटू टू माइनस 36, जो कि 36 इंटू फोर विच इज 144 माइनस 36 जो कि 108 विच इज ग्रेटर देन जीरो। और आर मैंने चेक किया जो कि आर एट पॉइंट टू टू मैंने चेक किया 12y विच इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है, वेट अ सेकेंड, मार्कर खुद ही लिख रहा है अपने से ही। तो आर टी माइनस स्क्वायर जो है, देखिए यहाँ पे आर एट टू टू जो कि मिला मुझे ग्रेटर देन जीरो, तो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई जो कि आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो मैक्सिमम मिनिमा की दो कंडीशंस बनती है, इधर मैक्स हो या फिर मिन हो। तो मैक्स के लिए क्या होता है, आर जो है लेस देन जीरो, और मिन के लिए आर ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे देखो आर एट पॉइंट ए भी मैंने निकाला, आर आर जो निकाला मैंने टू टू पे विच इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉइंट जो है दिस इज फॉर मिनिमा। अब क्या होगा, मिनिमा कहाँ से निकालेंगे, मिनिमा जो है फंक्शन में पुट करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ ओ एफ एट टू टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस सिक्स एक्स, ये फंक्शन था मैंने लेकर पुट कर दिया, तो जो कि माइनस एट आया तो माइनस एट इज द
पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड द वैल्यू इज -8। ओके, ये था टोटल चीजें मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। मैंने दोनों पॉइंट कवर किया कि सैडल पॉइंट कैसे मिलेगा, मैक्सिमा कैसे होगा, मिनिमा कैसे होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।